ये रिधिमा का ब्रेकफास्ट हो रहा है इधर। रिधिमा कौन सा ब्रेकफास्ट है यार, कौन सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इधर? संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, संडे मॉर्निंग सेकंड ब्रेकफास्ट हो गया। एक आदमी वो तो डंडा लेके क्या नहाना है क्या? भाई साहब कह रहे हैं चाय इतनी क्यों लेके आए, चाय में नहाना है क्या? चार परिवार की चार चाय है, जो चाय ज्यादा हो गई। और ये है भाई साहब हलवा, इसमें इलायची चाय, इसमें लौंग टी, इसमें प्लेन टी, इसमें मसाला टी, हर तरह का स्वाद मिलेगा आपको। चार चार चूल्हों का स्वाद मिलेगा। मेथी पालक अजवाइन के पराठे और ये पाषाण काल का पत्थर है यहाँ पे। पाषाण काल का पत्थर हमारा स्टोन एज ब्रेकफास्ट है। स्टोन एज ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा, प्रकृति की पता नहीं करेले का चार, ये सब्जी या चार है? आलू के पराठे लग रहे हैं। दिखने में टेस्टी है, सुंदर, सो स्वीट। ये देख लो 95 और 48, देख लो जूता दिखा रही मेरे को सुबह। अभी बोल रहे बड़े टेस्टी है भाभी, मैं दूसरी तरफ दिखाना होता, मैं इधर से दिखा रही थी आपको। बत्तन सैनिटाइजर है किसी के पास? हां भैया आज तो बिल्कुल पानी की बोतल है प्रॉपर। आर के लिए हाथ लगा दी बाजू, लगा दी बोतल की चटनी कर यह है महादेव प्रसाद भट्ट साहब और इन्होंने कैमरा सेट कर दिया ब्रेकफास्ट के लिए। ऑटो रिकॉर्डिंग, ऑटो रिकॉर्डिंग। और ये भाभी जी बैठी हुई है ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रही है, कब आएगा ब्रेकफास्ट? प्लानिंग हमारी, प्लानिंग हमारी। भाई साहब क्या बोल रहे हैं इधर आपके बारे में? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि रात को सोए नहीं है, ब्रेकफास्ट बना रहे थे, छोले हैं? रात के 1 बजे आलू उबाल रहे थे। हमने कुछ नहीं देखा भाभी। कैरी ऑन भाभी, कैरी ऑन। दोबारा बोलियो, अबे आओ इधर आओ। हां मैं भी वाली भाभी है, भाप लगाओ। ये भाभी जी हैं नेगी भाभी जी, पौड़ी वाली। हां सही बात है। उधर है उर्मिला टेरी वाली और इधर है नेगी भाई साहब चमोली वाले। मी टीरी छो सफेद वाल वाला। लो बच्चा इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, ले लू दो। रिधिमा पूरी, छोले पराठे, चाय पहले इसमें से निकालू, इसमें से निकालो भाभी जो आपकी घर के वो उसमें निकालो पहले। मेरे वाला तो नहीं, ये डालो बच्चों को दे दो पहले, उनको पूछ के दे दो ना उनको क्या चाहिए, सैंडविच चाहिए, पूरी चाहिए, तो सारे आपसे लेते नहीं।
चलो भैया लो बेटा आ जाओ और क्या प्लेट है काको अपनी चाय पीनी है छोले फ्रीजर में से निकाले ऐसी लग रहा है इंडिया की जी के छोले ऐसे लग रहा है मुझे नहीं ये कुसुम के छोले अच्छा ये फ्रिज कर रखे कुसुम छोले वाले फ्रिज कर रखे थे ये बोल रहे हैं तो सब कुछ तैयार था ये बोल रहे हैं तभी तो भैया हम लोग साइड और रखे अगले बार बच्चों का बैटरी वाला माइक्रोवेव रखेंगे साथ में हां वो वाला है लो डुगो वैक्सीन वगैरह तो लगी थी उसको अच्छा लगी हुई ना एक कुत्ता रखते हैं कटवाने के लिए ओए भाई साहब यार बाहर में ये भाई साहब आईडिया दिया सुनने में आया कि जिसको कुत्ते ने काटा उसको बुखार नहीं आता भाई साहब कह रहे हैं सबको कटवाना चाहिए फिर तो ये नहीं कि भाई साहब कह रहे हैं सबको कुत्ते से कटवाओ भाभी जी क्या कह रहे हैं भाई साहब अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं सुनो सही मैंने कहा कि जिसको नहीं नहीं मैंने कहा कि जिसको ना एक बार कुत्ता काट लेता है सुनने में आया उसको ना बुखार नहीं आता तो नेगी भाई साहब बताओ क्या बोला को सबको कटवा दो कुत्ते से तो इसमें आप भी शामिल हो ध्यान रखना पति में से एक भी कोई जवाब दे तो ये भी पत्नी के भी बोलूंगे तो मान्य होगा आप सभी बोलेंगे हमको तो पहले काटा हुआ जी कुत्ता हाँ सब बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे कोई मेरे को तो काटा मेरे पास प्रूफ है मेरे को भी काटा हल्का सा वैसे वो तो हल्का सा है उसे बुखार आता है उससे वैसे एक चीज होता है अगर जिसमें रेबीज ने लगा हो ना जिस कुत्ते में कुत्ते को काटा 20 साल तक भी नहीं 20 साल से ऊपर हो गए के बाद भी ना असर दिखाता है तभी तो बोलूं मैं ये लोग ऐसे चेंज क्यों हो रहे हैं तभी तो बोलूं ये लोग चेंज क्यों हो रहे हैं उसमें रेबीज लगा होने से जैसे पालतू कुत्ते हो रहे हैं यहां पे फिर कुत्ते को ये आता है इंजेक्शन लगा देते हैं और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि मेरे से पहले नेगी भाई साहब चले गए और पहले मुझे दुख हो रहा था कि मैं जाने वाला हूँ जल्दी पर मेरे से पहले भाई साहब काम पे चले गए तो इसलिए अभी दुख नहीं हो रहा दुख कम हो गया हाँ दुख का घूट पी रखा था ये सारे दिन भर ये मजे लेंगे यहाँ पे और मैं काम पे जाऊँगा तो दुख बहुत कम हो गया अब कम क्या ख़त्म ही हो गया गम ख़त्म हो गया भाई साहब चले गए काम पे और दुख ख़त्म हो गया अपना अब दुख के घूट कम हो गए अच्छा नहीं तो पहला नंबर आपका था पहला नंबर मेरा था जाने का भाई साहब चले गए तो यहाँ पे हम ये लेक है और यहाँ पे डक है यहाँ पे बोटिंग चल रहा है आप ये देख सकते हैं ये इनकी रेसिंग हो रही क्या हो रहा है इनका ये हाँ मुझे लगता है रेसिंग हो रही है मुझे लगता है कि रेसिंग वेसिंग हो रही है कुछ ऐसा लग रहा है इधर आज अभी रेसिंग और ये घर से काफ़ी पास ही है हमारे 5-7 मिनट गाड़ी में आओ आज ना गाड़ी में हम घूम सही बात सैंडवल वैली क्लब कौन सा क्लब है वो देख सैंडवल वैली सेलिंग क्लब अच्छा कोई ट्रेनिंग अलग होते हैं
ये इनकी वोटिंग चालू हो गई जी। और इनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है वोटिंग।